very, very important. देखो ये क्यों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। जब भी हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में सुनते हैं तो तुरंत याद आता है यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इसके बारे में हम लोग सोचते हैं, जापान, ये सब के बारे में सोचते हैं। डेवलप्ड का मतलब क्या होता है? वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो बहुत फास्ट है। इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन, आप कहीं पर भी जाते हैं पता चलता है 10 घंटा गाड़ी लेट है, 4 घंटा गाड़ी लेट है, चल रहा है तो यहां पर 60 का स्पीड से ऊपर भाग नहीं पाता है, गाड़ी का स्पीड बढ़ाता है तो ट्रैक ही उखड़ के फेंका जाते हैं। हम लोग सुनते हैं जापान में 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, ये टेक्नोलॉजी वहां 10 साल पहले, 15 साल पहले यूज कर रहा है, वो लोग इंजॉय कर रहा है, 2003 से इंजॉय कर रहा है। हम लोग तो रोजाना ही सोचते हैं कि यहां पर कुछ करें। कहने का मतलब है कि यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का प्रॉब्लम्स है। जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वो डेवलप्ड इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वहां पर सब कुछ फास्ट है, आप फास्ट मींस को यूज करके एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो देखेंगे जी, जब अभी देखिए आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, किसी से भी बात करना चाहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बैंकिंग सिस्टम इंडिया का ठीक ठाक है, आप कहीं पर भी पैसा भेजना चाहते हैं तुरंत भेज सकते हैं। लेकिन हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलप्ड नहीं है, जिसके चलते हम लोग काफी पीछे हैं। क्योंकि सिर्फ डेवलपमेंट बोलने से यह नहीं कि हम ये प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, डेवलपमेंट बोलने से मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस करना पड़ता है। अब यहां एक बहुत बड़ा बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स समझिए, अगर किसी कंट्री का इंफ्रा डेवलप नहीं है तो चलिए वहां रोड बन रहा है, डैम बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन जहां पर ऑलरेडी पूरा सब कुछ बन चुका है वहां पर ये सब और कुछ बन सकता है क्या? तो सोचिए, इंडिया के लोग तो चलो इसमें इन्वॉल्व होके किसी तरह से काम चला रहा है, बट जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? मान लीजिए आपके घरों में सब कुछ है तो और भी तो कुछ लाके वहां रख नहीं सकते हैं, वहां पर सब कुछ बन गया तो क्या करेगा? इसलिए वो लोग क्या लगाते हैं? दिमाग लगाते हैं। वो लोग न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और वो टेक्नोलॉजी हम लोगों को बेचते हैं। इसीलिए वो लोग अपना दिमाग लगाते हैं और हम लोग अपना शरीर लगाते हैं। वो लोग मेंटल वर्क करता है, हम लोग फिजिकल वर्क करते हैं। यानी जो डेवलप्ड कंट्री है वो मेंटल इसको यूज करके हम लोग के लिए कुछ सोचता है, हम लोग फिजिकल काम करते हैं। तो देखेंगे पहले पहले तो डिफरेंस है, बोलता है फीचर्स क्या होगा अंडर डेवलप्ड का। जब फीचर्स बोलेगा तो सिर्फ अंडर डेवलप्ड का तो ये लिखना है, डिफरेंस बोलेगा तो दोनों को दिखाना है। इंडियन इकोनॉमी इज डिस्क्राइब एड डेवलपिंग, इंडिया जो है डेवलपिंग इकोनॉमी है तो उसमें हम लोग को क्या दिखाना है ये बारे में लिखना है। इंडिकेट द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी क्या है? डेवलपिंग है तो ये चलेगा। देखेंगे क्या क्या फीचर्स है। जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं उसका पर कैपिटा रियल इनकम हाई होता है, मतलब प्रति व्यक्ति आय बहुत हाई होता है, इसलिए वो लोग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करते हैं। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड होते हैं या डेवलपिंग होते हैं वहां पर प्रति व्यक्ति आय कम होते हैं, इसीलिए जब आपके पास रुपया आएगा तभी ना आप स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे। यहां पर हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है, यहां लो को करता है। वेरी फ्यू पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी बता रहे थे ना, यहां पर पुअर इंफ्रा है। मॉडर्न एंड इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी को यूज करता है वो लोग प्रोडक्शन के लिए, और हम लोग क्या करते हैं? वही घिसा पीटा पुराना ट्रेडिशनल या लेस इंप्रूव्ड, जो चीज वो लोग आउटडेटेड कर देते हैं हम लोग वहां से अडॉप्ट कर लेते हैं।
वो लोग फिर न्यू टेक्नोलॉजी में ही रहता है, उसको यूज करते हैं. तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फीचर्स ऑफ डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. समझ में आ गया? चलो जी.